बीच आई हुई है एक तार प्रचार बोलो भी दे। अकेले मेरा हेलीकॉप्टर है और ने मोदी जी और नीतीश जी बीच बीच में हेलीकॉप्टर छोड़ ले, अकेले काफी है कि नहीं बता दो भाई। अरे बता दीजिए, देखिए हम यहाँ ज्यादा पकाने नहीं आए न थकाने आए, न पकाऊ भाषण देंगे न थकाऊ भाषण देंगे। हम यहाँ ओबरा की जनता से फरियाने आए, आज बता दो ओबरा की जनता कि ऋषि जी का लालटेन पे बटन दाब के जिताओगे कि नहीं जिताओगे। बोलो, हाथ उठा के बोलो, जाओगे। जब आप नौजवान है, पढ़े लिखे हैं, देखो भाई सुनो 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 तो 15 साल से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, ना बेरोजगारी दूर की है 15 साल में, ना गरीबी ना भुखमरी ना पलायन रोके, ना गरीबी मिटा पाए, ना सुई का कारखाना भी उन्होंने नहीं लगाया। तो आप समझ जाओ जो व्यक्ति 15 साल काम नहीं कर पाई, रोजगार नहीं लगा पाई, कारखाना नहीं लगा पाई, वो अगला 5 साल भी कोई काम नहीं करेगा। भाई सुनिए, डबल इंजन की सरकार बाद दिल्ली से लगे पटना ले, कहा हुआ बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल गया, विशेष पैकेज मिल गया, एको काम नहीं किए। अब हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, देखो हम नौजवान है, युवा है, ऋषि कुमार जी भी युवा है। देखिए बड़ा दिन से ऐसा नहीं है कि इनको टिकट मिल गया, ऐसे कई बार कई दिनों से इन्होंने मेहनत की, हर जगह खाली एक जगह नहीं अनेकों जगह इन्होंने संघर्ष किया है और इस बार हम लोगों ने मौका दिया है, नौजवान को टिकट दिया है। उसलिए ओबरा की जनता हम कहना चाहते हैं, आज ही तय कर दीजिए, हम नौजवान है, हर जात हर धर्म हर वर्ग को साथ लेकर चलना चाहते हैं, नए सोच के हैं, नया बिहार बनाना है। मुद्दे की बात होनी चाहिए, किसान गरीब मजदूर की बात होनी चाहिए, किसान मजदूर गरीब की बात होनी चाहिए, नौजवान बेरोजगारी की बात होनी चाहिए। बताओ कितना लोग बेरोजगार है, हाथ उठा के बताओ, ओबरा की जनता बताओ, सब बेरोजगारी। तो ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन हमको एक मौका दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा। अरे उधर से भी हाथ ऊपर करके बोले, एक मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। देखो नवरात्र के शुभकामना देतनी, कलश की स्थापना कर रहा है और संकल्प भी लिए नवरात्रि में, आप एक मौका दीजिएगा तो आपका भाई बेटा मुख्यमंत्री बनेगा, तो पहला कलम पहला मंत्रिमंडल में अगर चलेगा तो 10 लाख नौजवानों को, 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे, फॉरन का फीस माफ कर देंगे, परीक्षा केंद्र जाने का भाड़ा माफ कर देंगे, आंगनबाड़ी जीविका दीदी विकास वेत आशा वर्कर जितना वितरण शिक्षक लोग सब लोग कर्मचारी लोग जितना स्वयं सहायता समूह है, जितना स्वयं सहायता समूह है सबको नियमित करने का काम करेंगे, हम मानदेय 4,000 रुपया करेंगे। और देखा वो बाबा टुकुर टुकुर जाके तरह जाए, विधा पेंशन मिला था बाबा, विधा पेंशन मिला था, नहीं मिल रहा। आपका बेटा अगर बनेगा बिहार का मुख्यमंत्री तो समय पे दिलाएगा 400 से 1,000 विधा पेंशन हम करने का काम करेंगे। आप देखिए जितना सरकारी कर्मचारी लोग हैं, नीतीश जी नोटिफिकेशन कर दिए, सिपाही जी लोग, दरोगा जी लोग, डॉक्टर लोग, क्लर्क बाबू सब लोग, सुना नीतीश जी का है नया नोटिफिकेशन जारी किया कि 50 साल में रिटायर कर देंगे, जो नौकरी कर रहा है कर्मचारी उनका बाल बच्चा भी बेरोजगार है, 50 साल में रिटायरमेंट हो जाएगा तो घर के चलाए पंचमे पे, महंगाई के जमाना में हमारी सरकार बनेगी तो रिटायरमेंट जो पहले व्यवस्था थी उसको करेंगे, आज नीतीश जी भाजपा का जो नोटिफिकेशन उसको रद्द करेंगे। ज्यादा कुछ हम नहीं कहेंगे,
लेकिन भाई शिक्षा को चौपट कर दिया, नीतीश ने अस्पताल को चौपट कर दिया, मजदूर को मुंह फेर लिया, बोलते थे जो जाए वही रहो, मरने के लिए रोड पे छोड़ दिया, जितना कोरोना से नहीं बढ़ा उतना भुखमरी से और रोड एक्सीडेंट में मर गया। हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, बताओ एक बार हम फिर पूछते हैं ओबरा की जनता, बटिएगा मत। बहुत लोग निर्दलीय खड़ा हो गया, फल्ला खड़ा हो गया, खड़ा हुआ कि नहीं हुआ, जात के नाम पे वोट मांगेगा, जात पात से ऊपर हट करके ऋषि कुमार जी अभी नहीं खत्म किए, ऋषि कुमार जी जब जीतेंगे तो हम मुख्यमंत्री बनेंगे, एक बात ध्यान रखना, ऊपर देख करके वोट कीजिएगा, ऊपर देख करके वोट कीजिएगा, बटोगे तो चले जाओगे, बटना नहीं है। मैं अभी बताओ बटले तो अभी बताओ, एक नाना तो अभी बताओ, एक नाना कि नहीं नाना, दोनों हाथ ऊपर करके बोलो एक नाना। एक एक आदमी जितना यहाँ आया है दस दस वोट का उपाय करेगा, दस दस वोट का उपाय करेगा। अरे ओबरा नहीं, खाली अनुमंडल की मांग, जिला की मांग नहीं है, ये नीतीश कुमार जी जब से आए एको अनुमंडल एको प्रखंड एको जिला नहीं बनाया है। अगर विकास के लिए जिला भी बनाना पड़ेगा तो हम जो है ओबरा को बनाने का काम करेंगे। लेकिन एक बार ध्यान से बटना नहीं, बटिए नहीं ना, अरे बटोगे नहीं ना, एक रहोगे ना, दोनों हाथ उठा के बोले पक्का। देख लीजिए नवरात्रि है, दुर्गा मैया भगवती माँ देखा तरी, अब तू लोग संकल्प ले ले बड़ा के एक आदमी दस दस बहुत जुटाई, अरे एक तरफा करना चाहिए, एक तरफा बार बिहार में जीत रहे, अरे बताओ सरकार बना रहा है गरीब का, नौजवान का, किसान का, मजदूर का, तो सुनो शिक्षक जितना दिए जित शिक्षक समान काम समान वेतन हम लोग पूरा करेंगे। एक बार आप जानिए 9 तारीख को लालू जी का तारीख है बेल का, एक में बेल हो गया, अब एक आखिरी बाकी है, 9 नवंबर को है, 9 नवंबर को मेरा जन्मदिन भी है और 10 नवंबर का नीतीश जी का क्या है पक्का, अरे विजय के मारा पहना दो, दोनों हाथ उठा के बोले एक रहोगे, ऋषि कुमार को जिताओगे। चलिए धन्यवाद। इस न्यूज के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम सुभाष चौक दरभंगा, ली एक एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक और दैनिक ओमी तंजीम न्यूज़पेपर दरभंगा।